हेलो गाइस, वेलकम बैक स्मार्ट अर्निंग। आज मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ बिटकॉइन माइनिंग को लेके, और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी कंप्यूटर की पावर यूज करके बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, मैक्सिमम अर्निंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप 40,636 $40,636 तक अर्निंग कर सकते हैं, जिसकी जो वैल्यू बनती है BTC में वो बनती है 5.56 बिटकॉइन के आसपास। ओके, और इस अमाउंट को आप कैसे अर्निंग करेंगे ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे जो 1 बिटकॉइन की वैल्यू है वो लगभग 5 लाख इंडियन रुपीज के आसपास। अगर यहाँ पे आप 5.56 बिटकॉइन का अमाउंट देखते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो बिटकॉइन टोटल बनता है 27,80,000 इंडियन रुपीज के आसपास। ओके, सो गाइस, आज का ये टॉपिक काफी स्ट्रांग है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की पावर यूज करके बिटकॉइन अर्न करेंगे काफी आसानी से। कैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे, कैसे आप माइन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखे और समझे। यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग को लेके, तो यहाँ पे ये आपको एक ब्राउजर प्रोवाइड करा रहा है जिससे आप काफी आसानी से बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, और इस ब्राउजर का नाम है क्रिप्टोटैब ब्राउजर। हो सकता है गाइस आपने इसका नाम भी सुना हो और यूज भी किया हो, और काफी सारे लोग होंगे शायद इसका यूज नहीं करना जानते हो। तो आज मैं इसी का एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की पावर यूज करके बिटकॉइन आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये देता है क्रिप्टोटैब ब्राउजर, जिससे आप 8 गुना तेजी से बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। किस तरीके से आप अर्निंग करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, यहाँ पे जो आपको अर्निंग मिलती है 10 लेवल रेफरल तक, यानी कि रेफर आप करेंगे तो आपकी जो अर्निंग होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है काफी अच्छे तरीके से, अगर आप रीड करना चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप रेफर करते हैं अपने फ्रेंड को, मान लीजिए आप 5 दोस्तों को रेफर करते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेट करके अर्निंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है अर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है पहले लेवल में $3 की अर्निंग आएगी। इस तरीके से जो आपकी अर्निंग होती है वो इंक्रीज होती जाती है $10, और यहाँ पे जो फाइनली अमाउंट पे आप पहुंचते हैं 5.56 बिटकॉइन के आसपास। सो गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना है और किस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ज्वाइन करना काफी आसान है। इस साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप विजिट करेंगे इस साइट में तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर आता है, और आपके सामने इस तरीके से डाउनलोड क्रिप्टोटैब ब्राउजर लिखा हुआ आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाएगा, इसको जरूर आप रीड करें। अगर आप इसको रीड करते हो तो काफी आसानी से आप समझ पाएंगे इस पूरे प्लान को। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल इस तरीके का लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो क्रिप्टोटैब ब्राउजर है वो यहाँ पे डाउनलोड आपका होने लग जाएगा, और यहाँ पे ये लगभग 44 MB के आसपास का है, और आसानी से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और कैसे ये काम करेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे भी मेरा डाउनलोड भी हो चुका है। सो गाइस, आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है। ये मुझसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कह रहा है, तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक हमारा ये ब्राउजर ओपन होता है, क्योंकि ये हमारे जो सिस्टम है इसको वेरीफाई करता है कि हमारा जो सिस्टम है इसका CPU इतना स्ट्रांग है या नहीं है कि बिटकॉइन माइन कर सके, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो क्रिप्टोटैब ब्राउजर है ये ओपन होने लगा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये मेरा जो क्रिप्टोटैब ब्राउजर है ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। सो इस तरीके से कुछ विंडो आपके सामने ओपन हो गया है। तो गाइस, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा टैब भी आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो उस पर आप बिल्कुल मत जाइए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। और यहाँ पे मैं एक और आपको चीज बता दूं, अगर ये पेज आपसे मिस हो जाता है किसी तरीके से, आप यहाँ से काट देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे ओपन होकर आएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक माइनिंग रहता है गाइस, यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे आप इसके भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। यहाँ पे देखिए साइड में आपका जो है यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर आएगा, राइट। अगर आपने मान लीजिए ये पेज मिस कर लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। और लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको फेसबुक का ऑप्शन मिल जाता है, गूगल से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ट्विटर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और VK से भी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जीमेल का। सो आपके सामने यहाँ पे मेल आईडी सबमिट करने का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, नहीं तो गाइस आप डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के आफ्टर आपसे यहाँ पे मेल आईडी आपका मांगेगा, तो आपको यहाँ पे मेल आईडी अपना सबमिट करना है इस तरीके से, और इसके आफ्टर अपना जो है पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है, और इसके आफ्टर गाइस आपको यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है नेक्स्ट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गाइस, अगर आपने यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन लगाया हुआ तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, और उस OTP को आपको इस तरीके से वेरीफाई करना है, क्योंकि गाइस अगर आप किसी नए ब्राउजर में अपना मेल आईडी ओपन करते हैं तो आपको एक इस तरीके का OTP जाता है, और ये डबल चेक वेरीफाई करता है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा माइनिंग, मैं आपको दिखाता हूँ।
सो गाइस यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है जिसमें मेरे पास अभी तक 12 रेफरल ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे जो है अर्निंग कुछ मिली है। यहाँ पे मैं माइनिंग का आपको दिखा दूँ, ये देखिए आपका माइनिंग का ही कर्सर रहता है, इसमें अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ करके भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस दौरान बंद भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पे माइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ हैशेस पावर होगी जो आपको यहाँ पे साइड में दिखाएगा इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मेरी हैशेस पावर इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। अगर आप इसको और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो आपका और तेज़ी से यहाँ पे जो हैश पावर है वो इंक्रीज होने लगेगा, और जितना आपका हैश पावर रहेगा गाइस उतना ही आपका तेज़ी से यहाँ पे माइन रहता है बिटकॉइन। और मेरे पास कुछ रेफरल हैं एक्टिव 12 रेफरल के आसपास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको रेफरल की अर्निंग मिलती है। मेरे पास जो रेफरल हैं उसमें से कुछ ही रेफरल एक्टिव हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास जो है 12 रेफरल हैं टोटल, और पहले लेवल पे हैं 11 और सेकंड लेवल पे हैं। सो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से अर्निंग रिसीव हो रही है, और कुछ रिसेंट पेमेंट प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये जो पेमेंट है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं। देखिए 0.3 बिटकॉइन का जो है विड्रॉल लिया हुआ है, और इसके बाद 0.2 बिटकॉइन का विड्रॉ लिया हुआ, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं, और रेगुलर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा अमाउंट है। यहाँ पे देखिए 1000 सतोसी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसी पर्सन ने 1000 सतोसी विड्रॉ किया है इस तरीके से 1500, यानी कि विड्रॉल की लिमिट भी नहीं है, जितना भी आपका अमाउंट होता है उसे आप इंस्टेंट विड्रॉल करिए या थोड़ी देर आप वेट भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हैश आईडी है इसको चेकआउट कराता हूँ 0.3 बिटकॉइन की। आपको सिंपली यहाँ पे चेक स्टेटस में क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सो आपको यहाँ पे ये ब्लॉकचेन में लेके जाता है। ओके, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप इसकी जो ट्रांजेक्शन आईडी है इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रियल में अर्निंग करना चाहते हैं बिटकॉइन तो आपको इस प्रोग्राम को रेफर करना पड़ेगा, बिना रेफर के यहाँ पे अर्निंग पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप $30 अर्न कर सकते हैं बिना रेफरल के, अगर आप इस प्रोग्राम को रेफर करते हैं तो काफ़ी अच्छा अर्न करेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए गाइस बिल्कुल भी माइंड नहीं किया है, मैं एक्चुअली आपको यहाँ पे रेफर की पावर दिखाना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे $0.1 जो है मेरा अर्न हो चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी माइंड नहीं किया है। तो ये जरूरी नहीं है गाइस कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप अर्न नहीं कर सकते, बस किसी तरीके से आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, और अपना अकाउंट बनाने के बाद आप रेफर आईडी को शेयर भी कर सकते हैं, किसी के सिस्टम का यूज करिए वहाँ से अपनी आईडी बनाइए और इसको कॉपी करिए, काफ़ी आसानी से बिटकॉइन अर्न कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक गेट बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये गेट बूस्ट क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे गेट बूस्ट में क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी रेफरल की अर्निंग आपको दिखाता है, यहाँ पे इसने कहा है अगर आप बिटकॉइन जल्दी अर्न करना चाहते हो तो आपको इस प्रोग्राम को रेफर करना पड़ेगा, आपका ये जो लिंक रहेगा इसको आप शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ रेफरल हैं एक्टिव, मैं आपको दिखाता हूँ जिनसे जो मुझे कुछ अर्निंग आ रही है। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे रेफरल को, मान लीजिए आप सिर्फ एक रेफरल को जो है रेफर कर पाते, कई सारे लोग होते हैं जो रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपका एक रेफर भी पावरफुल है तब भी आप यहां से 1 बिटकॉइन से ज़्यादा अर्न करेंगे। यहां पे देखिए 1.11 बिटकॉइन अर्न किया, यानी कि $8,000 के आसपास पर मंथ, अगर आपका एक ही रेफरल स्ट्रांग है। अगर आप खुद स्ट्रांग हैं और आप 5 लोगों को रेफर करते हो और आपके 5 लोग भी 5 लोगों को, और यही सिलसिला अगर चलता जाता है तो यहां पे इजीली जो अमाउंट बनता है 5.56 के आसपास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और कुछ इस तरीके से आपको अर्निंग आती है। स्टार्टिंग में जो पहला लेवल होगा उससे आपको $3 की अर्निंग आएगी, सेकंड लेवल में आपको $10 की आएगी, थर्ड लेवल में इस तरीके से 25, और फिर ये जो अमाउंट होता है ये आपका बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जो 10 राउंड की जो अर्निंग आएगी आपको 0.06% की। ओके, कुछ परसेंट भी है, जैसे 15%, 10% इस तरीके से आपका कुछ परसेंट यहाँ पे बनता है 10 लेवल तक, और 10 लेवल में आपको 24,414 के आसपास आएगा। और ऐसा नहीं कि गाइस कि आप यहाँ पे कम ही रेफर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना रेफरल का जो अमाउंट है इसको भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप 10 लोगों को रेफर करते हैं और आपके वो लोग भी 10 लोगों को करते हैं, और यही सिलसिला चलता जाता है, तो गाइस यहाँ पे बिटकॉइन की जो वैल्यू है मैं आपको विश्वास नहीं दिला पाऊंगा गाइस, इतना अमाउंट यानी कि 4,276 के आसपास बिटकॉइन। ओके, और ये रियल में पॉसिबल है गाइस, ये रियल में पॉसिबल है अगर आप ये पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं और आपके सारे रेफरल अगर एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर पाएंगे। और मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ आप एक रेफर को भी रेफर करते हैं और आपका जो नीचे वाला है वो 10 लोगों को करता है, तो मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से नीचे आपको जो अर्निंग मिलेगी। यहाँ पे देखिए 427 बिटकॉइन। ओके, तो इतना स्ट्रांग सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा इंटरनेट में दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और कैसे आपको काम करना है यहाँ पे सारा कुछ आप पढ़े, कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ 1 बिटकॉइन ही अर्न करें पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं है,
और जो आपको अर्निंग आएगा वो काफी अच्छा आएगा और जेन्युइन अर्निंग आएगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया लगभग, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो इसमें आप सारा कुछ पढ़ें, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको सिंपली ये जो लिंक रहेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे ही आप इस लिंक पर विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको जो है डाउनलोड करने के बाद साइन इन कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आज मैंने काफी अच्छा प्रोजेक्ट आपको बताया है, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल का सबसे टॉप का प्रोजेक्ट है जो आपको बिटकॉइन माइन करके देता है कंप्यूटर से। और अगर आप चाहें तो इसकी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अपलोड करी हुई है। और लेवल जो अर्निंग आपको आती है कुछ इस तरीके से आपके लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बनता है। और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो खुद से भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम था जिसमें आपको डाउनलोड करना है, शेयर करना है और शेयर करने के बाद आप बिटकॉइन रिसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल के बारे में, यानी कि मेरे पास जो फंड है इसको विड्रॉल आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके 3 डॉट मिलेंगे इस तरीके से, आपको सिंपली यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे बिटकॉइन का एड्रेस मांगेगा। तो दोस्तों अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्रिप्टोपिया वॉलेट का और इस एड्रेस को मैं कॉपी करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो मेरा बिटकॉइन एड्रेस है इसको मुझे पेस्ट करना है। इसके आफ्टर मेरे पास जो अमाउंट है इसको यहाँ पे सबमिट करना है, जितना मेरे पास अमाउंट है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट को सबमिट करता हूँ गाइस, इसके आफ्टर मैं यहाँ पे विड्रॉ कर पाऊंगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए विड्रॉल की जो फीस है वो लगभग 1000 सतोशी के आसपास है, तो अभी मैं विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा गाइस कि कैसे आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे लाइव पेमेंट प्रूफ भी दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं सारा कुछ इसका ट्रांजेक्शन, और ये सारा कुछ जेन्युइन है। इसकी वीडियो